हेलो गाइस, आज हम दावा के इंटरकॉम के बैच कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िग टूल ओपन करेंगे और जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं उनको सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले हम वीटीओ को इनिशियलाइज करेंगे। वीटीओ को सेलेक्ट करेंगे, देन इनिशियलाइज के बटन पर क्लिक करेंगे, देन उसका पासवर्ड जो अपन को न्यू पासवर्ड देना है वो पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। कन्फर्म पासवर्ड 8 करेक्टर्स का होना चाहिए एंड देन ओके। यहाँ देख सकते हैं VTO कॉन्फ़िगर हो गया है। नाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर VTS। अब हम VTS को कॉन्फ़िगर करेंगे। VTS एंड VTS, एक VTS भी अपने पास, उसी तरह इनिशियलाइज पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड देंगे। इसमें अपन नंबर पासवर्ड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर VTO में हमेशा न्यूमेरिक और नंबर होना चाहिए। ये भी कॉन्फ़िगर हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं अपने पास सारे डिवाइसेज इनिशियलाइज हो चुके हैं। अब हम बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करेंगे। बैच कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे ग्लोबल पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे अपने DSS की SIP सर्वर IP डालेंगे। याद रहे SIP सर्वर IP और VTO का जो सर्वर पोर्ट है वो 5080 होना चाहिए एंड VTO VTH का पासवर्ड जो अपन ने इनिशियलाइज करते टाइम डाला था वो ही होना चाहिए। देन ओके पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड नोट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे बिल्डिंग के अकॉर्डिंग अपने को इन्फॉर्मेशन देनी है, कितनी बिल्डिंग है, कितने यूनिट्स है, कितने फ्लोर है, कितने रूम है, वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। और याद रहे सेकंड कंफर्मेशन को चेक करना ना भूलें। सेकंड कंफर्मेशन को हमेशा चेक करें, इसको सेलेक्ट करें सेकंड कंफर्मेशन को। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल 8 नंबर डाल दिए फ्लोर के और 5 बिल्डिंग डाल दी, सेकंड कंफर्मेशन को कर दिया है। और एक्सटेंशन स्टार्ट VTS VTO नंबर है तो उसको भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम एसोसिएट करेंगे, अभी जितने भी अपने डिवाइस वाले उनको एसोसिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बिल्डिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो आप लेफ्ट में देख सकते हैं बिल्डिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे और कोरस्पोंडिंग डिवाइस है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ VTO को इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको किस बिल्डिंग में डालना है वो फैंस स्टेशन पे डालेंगे, फिर एसोसिएट कर देंगे फैंस स्टेशन में डाल। उसके बाद किस यूनिट में डालना है, यूनिट VTO है तो VTO मैन है ये, तो VTO को एसोसिएट कर देंगे। देन उसके बाद सेम प्रोसेस VTO नंबर पे करेंगे, इसको सेलेक्ट कन्फर्म सेकेंड कन्फर्मेशन में चेक करना है, याद रहिए, फिर एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे। उसी तरह दूसरा VTH है अपने पास, VTH है, VTH को इसी तरह से हम एसोसिएट कर देंगे। देन होस्ट पे करेंगे, देन एसोसिएट करेंगे उसी तरह के से। फिर जो VTH नंबर है उसको सेलेक्ट करके होस्ट पे करेंगे, देन ये VTH नंबर सेलेक्ट किया, होस्ट पे क्लिक किया, देन एसोसिएट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह ये ऑल एसोसिएट लिस्ट अपन देख सकते हैं, ये 500 डिवाइस आ चुके हैं मेरे पास जो एसोसिएट कराई है अपन में। देन इन सब को सेलेक्ट करेंगे और कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी अपनी। तो ये विद इन 20 सेकेंड में सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ऑपरेशन कंप्लीटेड, देन ओके पे क्लिक करेंगे। अब इस फाइल को अपन एक्सपोर्ट करके अपने फ्यूचर के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन सेव रहे तो इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, उसको VDP टेस्ट और जो भी आप नाम देना चाहते हैं फाइल का वो नाम देके अपने PC में इसको सेव कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। देन एग्जिट करेंगे यहाँ से एंड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। एक्सपोर्ट डिवाइस सक्सेसफुली, नाउ डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे VTS सेलेक्ट करेंगे, VTS की IP जो है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे IP चेंज जो अपन ने हमने जो SIP सर्वर IP एड्रेस डाली थी वो ही डालेंगे। SIP सर्वर IP एड्रेस DSS की IP वो डालेंगे। यहाँ पे पोर्ट हमेशा 5080 रहेगा, हमेशा 5080 रहेगा। फिर यहाँ पे हम VTO ऐड करेंगे, जितने भी VTO आपके पास है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। VTO सेलेक्ट करके फैंस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे और VTO की जो अपनी IP है वो डालेंगे। VTO नेम जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप नाम डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फैंसी VTO डाल रहा हूँ। और यूज़र नेम पासवर्ड जो हमने इनिशियलाइज करते टाइम डाला था वही यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए। मिडिल नंबर 6x8 जो दावा का डिफ़ॉल्ट है एनेबल करके ऐड VTO। अभी दूसरा VTO डालेंगे
वो ही सेम प्रोसेस से अपना जो VTO की IP है वो डाल देंगे, VTO नेम है जो वो डाल देंगे। यहाँ देखिए मैंने दूसरा VTO नाम दूसरा डाल दिया, डिफरेंट डिफरेंट नाम होना चाहिए ताकि आपको पता रहे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। फिर एडमिन पासवर्ड वही जो सेकंड पासवर्ड का अपन ने रखा था हमने, फिर सेम बिडिन नंबर रहेगा एड VTO। यहाँ देख सकते हैं हम दो VTO ऐड हो चुके हैं, फिर हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ये कन्फिगेशन सक्सेसफुली हो गई है, बैच कन्फिगेशन फॉर वीडियो इंटरकॉम। थैंक यू गाइज।